अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सेशन का नाम ही है आपकी तैयारी 22 में आएगी बारी, तो ये 22 में आएगी बारी ये प्रश्नवाचक है और इसी बात से मैं शुरुआत कर दूं, क्यों 22 में बारी आपकी आएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? पहले तो एक फौजी हूं ना जी, अब हथियार पकड़ रखा है तो जरा मैं देवयाशीष से पूछ रहा हूं मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि दिनेश मोहनिया जी के माइक में थोड़ी सी कहीं शायद प्रॉब्लम चल रही थी। तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ। तैयारी का बेस क्या है? उत्तराखंड बना एक आंदोलन के बाद में 20-21 साल पहले जब महिलाओं ने आवाज उठाई, जब युवाओं ने आवाज उठाई और उसके बाद यूपी से अलग हुआ, उस समय मूल जो मुद्दे थे वो क्या थे? यहाँ पे स्वास्थ्य, यहाँ पे शिक्षा, रोजगार अच्छा होना चाहिए। जी जी। कहते हैं पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, यहाँ पे जो इतनी और जनरेशन के तरीके हैं हिमालय में वो सब हमारे होने चाहिए। दोनों पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस इस उत्तराखंड को अलग होने में उस समर्थन में तैयार नहीं थी, वो तो जनता की आवाज थी, आंदोलन हुआ और मजबूरन फिर ये डिसीजन लेना पड़ा कि उत्तराखंड को अलग करो। लेकिन 21 साल के बाद में अगर कोई ये बोलता है यहाँ पे मंच में आकर के कि ये चीजें कर दी हैं उन्होंने, तो मेरे को ना ताज्जुब होता है कि वाकई में 21 साल ये दोनों पार्टियां बारी बारी से रही और इस तरह के आकर के मैंने जब 2 महीने बचे हैं मुश्किल से, उस टाइम पे दोबारा से उसी पॉइंट को कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि वाकई में जनता जो है वो दोबारा से बेवकूफ बन जाए। आम आदमी पार्टी क्या है? 9 साल पहले खड़ी हुई, ये 100-100 साल पुरानी पार्टियां हैं। 9 साल पहले खड़ी हुई पार्टी दिल्ली जैसी जगह में जहां पे बीजेपी और कांग्रेस का घमासान पॉलिटिकल युद्ध होता था, वहां पे ना इन्होंने गायब कर दिया है। कांग्रेस तो हमसे बुरी तरह परेशान है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। जी जी। बीजेपी हिल रखी है, जिनकी मुश्किल से 8 सीटें हैं वहां पे, और वहां पे 3 बार से लगातार जो पार्टी जीत रही है, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं डिबेट में थोड़ी जाऊंगा, मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता को बोलूंगा अगर मैंने काम करे हैं, अगर मैंने यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी करी है, अगर मैंने यहाँ पे बिजली मुफ्त करी है, अगर मैंने रोजगार के साधन करे हैं तो मेरे को वोट दो, और फुल मेजोरिटी में आ रही है। कोई शक है? अजय कोठियाल कोई ये नहीं बोलता है कि खाली उसने करा, उसने युवाओं की ताकत को समझा, उसने महिलाओं के सम्मान को समझा, एक्स सर्विसमैन एक्स पैरामिलिट्री फोर्स को इकट्ठा करा रिटायर लोगों को, और केदारनाथ पुनर्निर्माण में तो उसका नाम आता है। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, सरकार का सपोर्ट जरूर था, यूथ फाउंडेशन एक संस्था बनाई है हमने, अपने खर्चे से चला रहे हैं, 10-12 हजार लड़के इंडियन आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुए हैं, तो ये तो ग्राउंड पे चीजें हो रखी हैं। आज अगर मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ने समझदारी से दिल्ली जैसी जगह में मुद्दों को पूरा करा है, जो मूलभूत जिनको बोलते हैं ना उत्तराखंड के सुलगते सवाल, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे हिट, तो क्यों नहीं हमें उस पार्टी को लेके आना चाहिए। मैं अभी डिस्कशन में देख रहा था यहाँ पे दोनों पार्टीज के अच्छे डिबेटर्स आ रखे थे और डिबेट भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या लग रहा था पता है? पहले तो आपस में डिबेट कर रहे, जैसे ही दिनेश मोहनिया जी की बात आ रही तो दोनों को दोनों दिनेश मोहनिया जी पे चढ़ रहे, तो वो दोनों बोल रहे हैं कि हम विपक्ष में आएंगे, आप तो पार्टी यहाँ पे आई रही है, इस बार पार्टी जो है ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है ना ABC है, आम जनता की पार्टी है। कितनी सीट है, कितनी मेजोरिटी, वो तो आने वाले समय में हम दिखाएंगे, पार्टी जब सरकार बनाएगी। लेकिन सर कैसे, मतलब ये यकीन आपको कैसे है, क्योंकि आपको तो विधानसभा में कोई सीट हासिल नहीं है, कैसे आपको लगता